हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो आज की वीडियो में मैं यहाँ बात करने वाली हूँ आपकी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम। आजकल क्या हो रहा है कि मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा चिपचिपा, और जैसा ये वेदर है ना कि कभी बरसात हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है, तो इस मानसून वाले सीज़न में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल की। आप सब कुछ ट्राई कर लीजिए लेकिन आपका जो हेयर फॉल है वो रुकता ही नहीं है, दिन पर दिन बढ़ता जाता है। मैंने बहुत सारे शैम्पू सीरम हेयर क्रीम वगैरह सब कुछ यूज़ किया बट मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। जैसा वो क्लेम करते हैं ऐसा मुझे बेनिफिट नहीं मिला है। सो यहाँ पर मैंने खोज निकाला है एक और सॉल्यूशन। तो यहाँ मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ एक शैम्पू जो कि है सेबामेट की तरफ से। तो ये है सेबामेट का शैम्पू, और सेबामेट के जो प्रोडक्ट होते हैं वो pH 5.5 वैल्यू रखते हैं। pH का मतलब होता है कि ये हमारी स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर pH लेवल हमारा 7 से अबव हो जाता है तो वो प्रोडक्ट हमारी स्किन हमारे हेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो सेबामेट जितने भी प्रोडक्ट बनाता है उनका जो pH है वो हमेशा 5.5 या उससे कम ही होता है। सो सेबामेट जो है वो साइंस है फॉर हेल्दी स्किन के लिए। सेबामेट का ये शैम्पू है एंटी हेयर लॉस शैम्पू। जो हमारा हेयर लॉस है वो हमारी रूट से होता है, हमारी स्कैल्प से होता है। तो ये हमारी स्कैल्प को नरिश करता है, हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, और जो हमारे हेयर के रूट्स हैं ये उनको भी हेल्दी बनाने में बहुत अच्छा है। कोई भी टाइप्स के हेयर हो, चाहे वो ऑयली स्कैल्प वाले हो चाहे वो ड्राई स्कैल्प वाले हो, सभी टाइप के जो स्कैल्प है वो इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। ये इम्प्रूव करता है हमारे स्कैल्प के नरिशमेंट को, क्योंकि जब तक हमारी स्कैल्प का नरिशमेंट नहीं होगा, हमारी स्कैल्प हेल्दी नहीं होगी, तो हमारे हेयर्स ग्रो नहीं होंगे और हमारे हेयर्स जो है वो उनका फॉल होना बंद नहीं होगा। इसमें आपको मिल जाता है NHE फार्मूला और जिनके को बिलबुला। सो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमारे हेयर की रूट्स में जाकर हेयर को हेल्दी बनाते हैं, साथ ही हेयर फॉल की कंडीशन को ये कम करते हैं, हमारा जो भी हेयर लॉस हो रहा है उसको ये रोकने की कोशिश करते हैं। इस शैम्पू से मैंने ये पाया कि ये 2 से 3 वॉश में ही आपके हेयर लॉस को ये कम करेगा, एकदम स्टॉप नहीं करेगा लेकिन उसको ये कम करेगा। इसका मतलब अगर ये 2-3 वॉश में आपके हेयर लॉस को कम कर रहा है तो ये ज़रूरी है कि ये आगे आगे जितना कंटिन्यूस आप इसे यूज़ करोगे तो ये आपके हेयर लॉस को तकरीबन बंद ही कर देगा। सो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मिलता है ये शैम्पू आपको। ये है इनकी 200 ml की बॉटल है। इसकी शेल्फ लाइफ आपको 3 ईयर्स मिल जाती है। मोस्टली प्रोडक्ट की आपको 3 ईयर शेल्फ लाइफ मिल जाएगी, और 675 इसकी कॉस्ट है। अंदर से मैं पैकेजिंग दिखा देती हूँ ये किस तरीके की पैकेजिंग में आता है। ये आपको मिलता है इस तरीके की बॉटल में। सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आउटर बॉक्स पे मेंशन है वही इस पर भी मेंशन है, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आपको मिल जाता है। तो ये आपको टेक्सचर में दिखा देती हूँ इसका, ये कुछ इस तरीके का टेक्सचर आपको मिलता है। ना तो ज़्यादा रनी है और ना ही ज़्यादा थिक है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कंडीशन में मिलेगा आपको, और ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपने हेयर में जेल लगाया हो। इसमें कोई एक्स्ट्रा में फ्रेग्रेंस नहीं है कि आपको उसकी फ्रेग्रेंस से डिस्टर्बेशन होगा या फिर आप अनोइंग है इसकी फ्रेग्रेंस, बिल्कुल भी नहीं। एक सूदिंग सी, एक बहुत माइल्ड सी इसमें खुशबू है जो आपके हेयर में रहती है, और साथ ही आपके हेयर की स्कैल्प को इतने अच्छे तरीके से नरिश करता है, आपके हेयर की स्कैल्प को इतने अच्छे तरीके से क्लीन करता है कि जब आप देखेंगे अपने हेयर की स्कैल्प को तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। मतलब आपको अपने हेयर इतने अच्छे फील होंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट फील होंगे। मैं इसी से वॉश कर रही हूँ अपने हेयर और मुझे अपने हेयर इतने सॉफ्ट लगते हैं ना कि मन करता है अपने बालों को अपने हाथों से सहलाते रहो। प्लस इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे हेयर की जो लेंथ है उनको इम्प्रूव करेगा, हेयर जो ग्रो नहीं हो रहे हैं उनको ग्रो करेगा, और साथ ही जितने भी हेयर लॉस जो हो रहा है ये उसको स्टॉप करेगा। अगर आप ऐसा हेयर शैम्पू चाहते हैं जो कि आपके हेयर लॉस को कम करे, जो कि आपके हेयर्स को ग्रोथ करने में हेल्प करे, आपकी स्कैल्प को नरिश करे, आपके हेयर को हेल्दी बनाए, तो आप ज़रूर इस सेबामेट शैम्पू को एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आप एक बार ट्राई करते हैं तो आपको इसका फ़र्क आपको ज़रूर नज़र आएगा, डेफिनेटली नज़र आएगा, और आप इसको रीपर्चेज करेंगे। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।